सलाम नमस्ते और ख्याल चाल, लेकर आ गया हूँ टॉप 10 रोबोट मूवीज जिनके अंदर आपको इंसान और रोबोट्स के बीच प्यार और लड़ाई दोनों ही देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारी मूवीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं, पर आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। 10th पे 2015 में रिलीज हुई चैपी मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर की, जब पुलिस रोबोट्स को यूज करती है और हम देखते हैं कि एक प्रोग्रामर ने नया AI बनाया है जिसका नाम है चैपी। और कौन कहता है कि मशीन्स में इमोशंस नहीं होते, क्योंकि इस मूवी के रोबोट में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मूवी के एंडिंग आते आते शायद आप रो दो। Something of great danger headed our way now. I don't want to die. I want to live. If you want to survive, Chappie, you must fight. नेक्स्ट है 2019 में रिलीज हुई साइफाई थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कोड 8। मूवी के अंदर हम देखते हैं कुछ सुपर हीरोज को जो मजबूरी में पैसे कमाने के लिए चोरी करने का रास्ता चुनते हैं, पर यहाँ दिक्कत ये है कि उन्हें पकड़ने के लिए कोई नॉर्मल पुलिस नहीं है बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं। तो अगर आपको मनी हाइस्ट टाइप्स मूवीज पसंद है तो इसे जरूर देखिएगा, और इसके अंदर तो रोबोट्स वाला तड़का भी लगा है। नंबर 8 पे 2019 में रिलीज हुई आई एम मदर। इस 1 घंटे 55 मिनट की मूवी में हमें स्टोरी देखने मिलती है एक रोबोट मदर की जो एक इंसानी बच्ची को माँ बनके पालती है, पर जब वो बच्ची बड़ी होती है तो उसे अपनी मदर के बारे में कुछ अजीब लगता है क्योंकि कुछ तो है जो वो उसे नहीं बताना चाहती। मूवी कमाल की है और एंड तक सस्पेंस बना रहेगा। Your whole life I've taught you to see the bigger picture. 7 पे 2021 में रिलीज हुई आउटसाइड द वायर। मूवी के मेन लीड में हमें एंथनी मैकी देखने के लिए मिलते हैं जो एक वॉर जोन में कैप्टन लियो का किरदार निभाते हुए दिख जाएंगे। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लियो दिखने में तो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, पर असली में वो कौन है इस बात का पता आपको मूवी में ही चले तो काफी अच्छा रहेगा। और लियो का मिशन ये है कि उसे एक न्यूक्लियर अटैक को रोकना है। हालांकि मूवी के एंड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आपका वेट कर रहा है। You're up. You're commanding officer, and I'm gonna give you 60 seconds to deal with it. Yes, sir. और अब 7 मूवीज के बाद फाइनली हम स्पेस में आ चुके हैं, क्योंकि नंबर 6 पे है स्पेस स्वीपर्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक स्पेस शिप को जिसके क्रू को एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो एक वांटेड है। आखिर ऐसा क्यों है और उस बच्ची में क्या स्पेशल है, इन सब बातों का पता आपको मूवी में ही चलेगा। इसके अंदर कमाल का एक्शन है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। ये मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल है। नंबर 5 पे 2011 में रिलीज हुई एडवेंचर फैंटसी मूवी जिसका नाम है ह्यूगो, जिसके अंदर स्टोरी भी ह्यूगो की है जो छोटा सा अनाथ बच्चा है जिसे अपने फादर का बनाया हुआ एक रोबोट मिलता है। और कहानी इंटरेस्टिंग तब होती है जब ह्यूगो को उसे चलाने की मिलती है। That's how you know it's an adventure. 4 पे 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है द मिशेल्स वर्सेस द मशीन। मूवी के अंदर हमें 4 लोगों की एक फैमिली देखने को मिलती है जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, पर वो सब साथ में आते हैं जब अर्थ पे रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है। पूरी मूवी कॉमेडी सीन से भरी पड़ी है जिसे देखने में काफी मजा आएगा। Family has its challenges. We haven't had a good family picture in years because you two are always arguing. For my family, our greatest challenge probably the robot apocalypse. 3rd पे 2018 में रिलीज हुई फ्रेडी। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक इंटेलिजेंट रोबोट को जिस रिसर्च फैसिलिटी से चुरा लिया जाता है, और उसके बाद उस रोबोट की मुलाकात होती है एक 15 साल के टीनेजर से। तो अब वो दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। Can you believe this? Whoa. Are you seeing what I'm seeing? It's flying. What's your name? फ्रेडी। 2nd पे 2012 में रिलीज हुई कमाल की मूवी जिसका नाम है टोटल रिकॉल। मूवी के अंदर हम देखते हैं डॉगलस को जो अपने सपनों से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो अपने ब्रेन के अंदर एक फेक मेमोरी इम्प्लांट कराने के लिए जाता है, पर वहाँ जो होता है उसके बाद वक्त और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। Then who the hell am I? You don't have the most reliable of memories, do you? नंबर 1 पे कोई मूवी नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की कमाल की सीरीज है जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। रोबोट्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए 1.5-2 घंटे काफी कम पड़ जाते हैं, इसलिए आप इस 3 सीजन की सीरीज को जरूर देख सकते हैं। सीरीज के अंदर कहानी है एक एलियन रोबोट की जो एक इंसानी बच्चे से मिलता है, और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। What is that? It's okay. Well,
He's with me. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और लिस्ट की किसी भी मूवी को फ्री में टेक्नोवर्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे टेक्नोवर्स सर्च कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।